अब वित्त मंत्री के इन लाइनों के असत्य को मैं आपके समक्ष सबूत समेत साबित करूंगा। उन्होंने कहा किसान को लागत पर 50% मुनाफा दिया, पर खरीफ 2024-25 का लागत पर प्लस 50% मुनाफा पर एमएसपी निर्धारित ही नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, मैं सीएसीपी की रिपोर्ट ऑथेंटिकेट करने के लिए साथ लेकर आया, ताकि आप चाहें तो मैं उसे पटल पर रख दूंगा। सीएसीपी यानी देश के कृषि मूल्य निर्धारण आयोग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक एमएसपी खरीफ का C2+50% नहीं है। और मैं एक एक फसल अब आपको बताऊंगा। खरीफ फसल 2024-25 में C2+50% धान का होना चाहिए 3012, मोदी सरकार ने दिया 2300, यानी 700 रुपए कम। जवार का होना चाहिए C2+50% सीएसीपी के मुताबिक 4437 रुपया क्विंटल, सरकार ने दिया 3371 रुपया क्विंटल। बाजरे का C2+50% होना चाहिए 2904 रुपया प्रति क्विंटल, आप तो खुद भी लगाते, सरकार ने एमएसपी दिया 2625 रुपया प्रति क्विंटल। मक्के का C2+50% होना चाहिए 2794 रुपया प्रति क्विंटल, सरकार ने एमएसपी दिया 2225 रुपया प्रति क्विंटल। रागी का C2+50% है सीएसीपी रिपोर्ट के मुताबिक 5197 रुपया प्रति क्विंटल, सरकार ने घोषित किया 4290 रुपया प्रति क्विंटल। तूर यानी अरहर का C2+50% है 9756 रुपया प्रति क्विंटल, सरकार ने दिया 7550 रुपया प्रति क्विंटल, 2000 रुपया कम। मूंग का C2+50% है 10956 रुपया प्रति क्विंटल, सरकार ने दिया 8682 रुपया प्रति क्विंटल, यानी 2500 रुपया कम। उड़द का C2+50% है 9744 रुपया प्रति क्विंटल, सरकार ने दिया 7400 रुपया प्रति क्विंटल, यानी 2000 रुपया प्रति क्विंटल कम। मूंगफली का C2+50% है 8496 रुपया प्रति क्विंटल, सरकार ने एमएसपी दिया 6783, यानी फिर 2000 रुपया कम। सोयाबीन का C2+50% है 6436 रुपया प्रति क्विंटल, सरकार ने दिया 4892 रुपया। मैं पूछता हूं, क्या एक ऐसी फसल है खरीफ 2024-25 में जो वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि हमने लागत पर 50% मुनाफा दे दिया, ये वो रिपोर्ट है, आपकी रिपोर्ट है 2024-25 की। C2+50% एक फसल का भी नहीं दिया, यानी वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर सरेआम बजट में झूठ बोला। असत्य बोलते रहो आप। असत्य बोला, मैं करेक्ट करता हूं। और माननीय चेयरमैन सर, यही नहीं, ये लोग एमएसपी तो घोषित करते हैं पर एमएसपी पर फसल ही नहीं खरीदते। बीजेपी सरकार में, ये भी मैं अभी साबित करूंगा, अभी देखिए अगले, आप मंत्री जी आपको समय मिलेगा, अभी आप बताइएगा बजट के जवाब में, भाजपा सरकार में, मोदी सरकार में एमएसपी अब मैक्सिमम सफरिंग फॉर फार्मर बन गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं रहा, क्योंकि एमएसपी के मायने ही नहीं बचे। ये एमएसपी की घोषणा तो करते हैं पर एमएसपी पर फसल नहीं खरीदते, ये मैं नहीं कह रहा, ये 2022-23 के आंकड़े अब कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद हैं, और मैं केवल वो लेकर आया, और मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर उन्हें रखूंगा। 2022-23 में इनके आंकड़ों के मुताबिक गेहूं का उत्पादन हुआ 1068 लाख टन। उन्हीं के मुताबिक, जो उन्होंने आंकड़े अपलोड किए हैं, सरकार ने खरीदी 187,92,000 टन, यानी 100% के उत्पादन के मुकाबले में 18% गेहूं एमएसपी पर आपने खरीदी, शर्म की बात है। तिलहन, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली, तिल, इनका उत्पादन आपके आंकड़ों के मुताबिक 22-23 के ही अभी अपलोड हुए, वो हुआ देश में 377 लाख टन, आपने कितना खरीदा, 48,000 टन एमएसपी पर।
यानी 0.13% एमएसपी पर खरीदा। दालें उत्पादन हुआ आपके मुताबिक 276,90,000 टन, आपने कितना खरीदा? 1,20,000 टन, यानी 0.43%, 99.5% खरीदा ही नहीं एमएसपी पर। ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का जो गुजरात में भी होता है, उत्पादन हुआ 491,70,000 टन। सर आप हमें तो बोलते हैं, बैठे बैठे रिमार्क करते हैं, वहां मिनिस्टर आप बैठे बैठे बात नहीं कर रहे हैं माननीय सदस्य जी। ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का का उत्पादन हुआ 491,70,000 टन, इन्होंने खरीदा कितना? 1,28,000 टन, यानी 0.26%। धान हुआ 1,302 लाख टन, खरीदा 651 लाख टन, यानी 50%। ये चार्ट है, इसका मतलब यह है कि धान की फसल जो 50% खरीदी, अगर उसे छोड़ दूं तो गेहूं, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली, तिल, दाल, ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, एक भी ऐसी फसल नहीं है जो इन्होंने लगभग 1% से 17% से ज्यादा एमएसपी पर खरीदी हो। तो उस एमएसपी के मायने ही क्या, जो इस देश के अन्नदाता किसान को मिलेगा ही नहीं।